हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2022 की ईयरली रीडिंग। तो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि 2022 आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो 2022 में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। तो देखिए, इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और अगर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग से शुरू करना चाहते हैं तो नीचे टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र इन जनरल 2022 पे डाल लेते हैं। तो देखिए, जब हम 2022 को टोटल करते हैं, वी गेट नंबर 6। और नंबर 6 न्यूमरोलॉजी में वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह कंफर्ट, लग्जरी, लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, फन, मज़ा, मस्ती, एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग और व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, या तो इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा फोकस 2022 में रहने वाला है या फिर ये चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में ऐड हो सकती हैं। और देखिए, अगर आपका प्रोफेशन भी इन्हीं सब में से है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी 2022 में काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। और देखिए, शुक्र की राशियाँ होती हैं लिब्रा एंड टॉरस। शुक्र के मित्र हैं सैटर्न एंड मर्कुरी। सैटर्न और मर्कुरी की राशियाँ हैं कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, वर्गो एंड जेमिनी। और इन राशियों के लिए भी 2022 काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आपका नेम, नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 369 है तो आपके लिए भी 2022 अगेन मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम पिछले 2 सालों से कंपेयर करें तो 2022 अगेन काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिन राशियों को मैंने अभी मेंशन किया, या फिर से अगर आपका नेम, नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 369 है तो आपके लिए थोड़ा सा खास अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, दूसरी बात, आई ट्रूली बिलीव दैट नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। और कुछ भी फिक्सेटेड नहीं होता है। और देखिए, इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस ही लें, क्योंकि देखिए, जो भी इस रीडिंग में आप देख रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है देख के, या फिर आपको लगता है कि यही आप 2022 में अपनी लाइफ के लिए चाह रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसे लगता है कि भाई, ये तो आप 2022 के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए नहीं चाह रहे थे, तो वहीं पे आपने पॉज करके थोड़ी सी चेकिंग करनी है। क्योंकि देखिए, ये रीडिंग, जो भी आपकी करंट एनर्जीज हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, बिहेवियर है, उसी के बेसिस पर एक प्रोबेबल आउटकम है, ये 100% नहीं है। इनफैक्ट देखिए, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको 100% नहीं बता सकता, क्योंकि नोबडी इज गॉड, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। और देखिए, ह्यूमन बींग्स का एक लिमिटेड विजन होता है। तो देखिए, फिर से इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, और कभी भी आपको लगे कि भाई, यू नो, ये आप 2022 के लिए अगेन नहीं चाहते हैं, तो आपने अपनी चेकिंग करनी है कि आपके गोल्स के साथ आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर्स अलाइन हैं या नहीं हैं। क्योंकि देखिए, हम सब लोगों की लाइफ का मसला ही ये है, हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इसीलिए हम अपने गोल्स को भी नहीं अचीव कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती हूँ और मैं गोवा के बारे में सोच रही हूँ, गोवा की टिकट्स देख रही हूँ, गोवा के रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स देख रही हूँ, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मैं गोवा ही जाऊँगी और फिर देखिए मैं परेशान होंगी। इसी तरीके से हमारा गोल कुछ और होता है, हम सोचते और करते कुछ और हैं। और देखिए, अगर आपने 2022 में जाने से पहले इस चीज़ की चेकिंग करके इसको करेक्ट कर लिया, तो कोई दुनिया की ताकत आपको आपका गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, और मेरी यही विश है कि जो भी आप अपने लिए 2022 के लिए चाहते हैं, ये रीडिंग उसी को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे। और इसी के साथ हम 2022 की रीडिंग शुरू करते हैं। सेजिटेरियस, इससे पहले कि हम 2022 की प्रेडिक्शन शुरू करें, एक नज़र 2021 को देख लेते हैं। तो देखिए, 2021 को अगर हम देखें तो 2021 की स्टार्टिंग में या तो किसी परेशानी, किसी उलझन, किसी मसले से आप बाहर निकलना चाह रहे थे, या फिर किसी परेशानी, किसी मसले को लेकर
आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। देखिए यहाँ पे 2021 के लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड पास्ट लाइफ, और ये दोनों ही कार्ड्स एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड की बात करते हैं, कन्फ्यूजन की बात करते हैं, फियर इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, लो एनर्जीज की बात करते हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि कुछ ऐसा ही 2021 की स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए रहा, या फिर ऐसी सिचुएशन ऐसी एनर्जीज में से आप बाहर निकलना चाह रहे थे। और देखिए मिड ऑफ 2021 के लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि मूवमेंट, शिफ्ट, आगे बढ़ने को लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहे होंगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हुए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस इन जनरल अपनी लाइफ में, या फिर हो सकता है कि प्रोफेशनल या पर्सनल किसी भी फ्रंट के एरिया में आप लाना चाह रहे थे वो नहीं आई, और इसी वजह से या अदरवाइज भी अगेन मैं कहूँगी कि आपने काफ़ी अपने आप को स्टक महसूस किया। और देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में या फिर मेंटली इमोशनली किसी चीज़ को लेकर आपने अगेन मैं कहूँगी बहुत स्टक महसूस किया। आप आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए। और देखिए इस टाइम फ्रेम में कुछ लोगों को लिटरली ऐसी भी फीलिंग हो सकती है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, कहीं उन्होंने लक फेवर नहीं कर रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त एक अटका हुआ वाली फीलिंग आपको मिड ऑफ 2021 में रही होगी। लेकिन देखिए सरफेस लेवल पे जो भी हो, मन ही मन के लिए यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड कहता है कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं या फिर यूनिवर्सल एनर्जीज पे कंप्लीट एक ट्रस्ट करते हुए, कंप्लीट एक फेथ सरेंडर करते हुए आप आगे बढ़ते रहे। और देखिए एंड ऑफ 2021 के लिए यहाँ पे दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है। फोर ऑफ वॉन्ड्स टारो में कहीं चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन की बात करता है, घर के रेनोवेशन होने की बात करता है, घर बनाने की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर रीयूनियन की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ या छोटे मोटे मसले 2021 के एंड में रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कोई सेलिब्रेशन थी, कोई गेट टुगेदर था तो वो डिले हुआ, पोस्टपोन हुआ, या फिर से मैं कहूँगी कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ ऑफिस, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस भी कहीं डिले हुए, पोस्टपोन हुए, या फिर उन सब चीज़ों से लेकर छोटे मोटे मसले रहे। और देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड ये भी कहता है कि एक टुगेदरनेस, एक कंपेनियनशिप आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ रही, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रही, या फिर पूरी तरीके से आप इन चीज़ों को नहीं इन्जॉय कर पाए। और देखिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे 2021 के एंड में हुआ, कहीं यू नो यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज नहीं, कहीं यू नो आपको ऐसे लगा कि हाँ भाई अब किस्मत आपका साथ दे रही है, जो कि मिड ऑफ 2021 में शायद किसी लेवल पर आपने नहीं महसूस किया। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 2021 का बहुत ही एक यू नो छोटा सा ग्लिम्स। तो सेजिटेरियस इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2022 ब्रॉडली स्पीकिंग आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं न्यू मून इन एक्लिप्स एंड आंसर्ड प्रेयर। न्यू मून इन एक्लिप्स का कार्ड पावरफुल चेंजेस की बात करता है, और देखिए आंसर्ड प्रेयर का कार्ड कोई चीज़ जो बहुत टाइम से आप चाह रहे थे, यूनिवर्स से मांग रहे थे, उसके पूरे होने की बात करता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई यू नो अगेन मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस 2022 में आ रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे, जिसको आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, या फिर कोई विश, कोई डिज़ायर, कोई काम आप चाह रहे थे कि अगेन पूरा हो जाए, उसके लिए आप प्रेयर कर रहे थे, वो आपका पूरा हो रहा है, और उसकी वजह से एक यू नो पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में 2022 में आ रहा है।
एंड देखिए यहाँ पे फुल मून इन कैंसर का कार्ड कहता है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन. तो कोई मसला जो पर्सनली आपको बहुत परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी आप मायूस हो रहे थे, उसका भी एक सल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है, या मैं कह सकती हूँ कि वो भी आपका 2022 में रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है. और देखिए गॉडेस अबंडेंशिया प्रॉस्पैरिटी की बात करती हैं और ये कहती हैं द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग. तो देखिए सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि प्रॉस्पैरिटी सिर्फ फाइनेंसेस मनी नहीं होता है, प्रॉस्पैरिटी कहीं ओवरऑल वेलबींग होता है, ओवरऑल हैप्पीनेस जॉय होता है, जहाँ पे एक सिक्योरिटी एक स्टेबिलिटी हम महसूस करते हैं. और कुछ ऐसा भी 2022 में आप लोगों के लिए ओवरऑल के लिए रहता हुआ दिख रहा है. और देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियरली गॉडेस आपको कहती हैं कि यूनिवर्स तो आपको यू नो अबंडेंस पोर कर रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सेजिटेरियस कि आप भी थोड़े से ओपन रहें, क्योंकि कितनी बारी देखिए होता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और जब हम अपने थॉट्स में अपने माइंड में चीज़ों को ब्लॉक करके बैठ जाते हैं तो कहीं हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाते, उनको अवेल नहीं कर पाते, हम उनको मिस करते हैं और फिर आगे जाके जब हमें रियलाइज़ होता है तो हम बहुत परेशान होते हैं. तो फिर से देखिए एक अबंडेंट एनर्जीज 2022 में रहती हुई दिख रही हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ओपन रहें, थोड़ा सा यू नो आप कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स किसी चीज़ के लिए रख रहे हैं या फिर एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें. एंड देखिए यहाँ पे गॉडेस डाना हाई प्रिस्टेस कहीं विजडम और नॉलेज की बात करती हैं. तो कहीं 2022 में बहुत सारे सेजिटेरियस के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत वाइजली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं. हो सकता है सेजिटेरियस के पीछे आप चीज़ों को लेके केयरलेस रहे हैं या फिर यू नो आपने अपनी नॉलेज को अपनी विजडम को उतना नहीं यूज़ किया और अभी आपको लगता है कि भाई 2022 में आप बहुत समझदारी के साथ काम लेंगे. और अगर देखिए आप कभी भी 2022 में ऐसी एनर्जीज में ना हो तो गॉडेस डाना को ज़रूर याद कर लें. और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी नॉलेज आपके पास है उसको आप ज़रूर यूज़ करें. देखिए जब तक हम किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो वेस्ट होती है. और फिर से देखिए नॉलेज है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इससे ख़राब बात तो कुछ हो ही नहीं सकती. तो इस चीज़ का ख्याल आप 2022 में ज़रूर रखें. और देखिए यहाँ पे टी लीव से करियर एंड हैप्पीनेस के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि करियर आपकी प्रायोरिटी रह सकता है. बहुत ज़्यादा आप करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं और करियर से ही एक हैप्पीनेस भी आपको 2022 में ज़्यादा मिलती हुई दिख रही है. एंड देखिए यहाँ पे फुल मून इन सेजिटेरियस का कार्ड अगेन आपको एडवाइस दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है और ये कार्ड कहता है लुक एट द बिगर पिक्चर. तो देखिए छोटी मोटी चीज़ें अगर आपके हिसाब से ना हो तो आप उनको लेके मायूस ना हो, आप उनको लेके परेशान ना हो, आप बड़े गोल को देखें, आप बड़ी पिक्चर को देखें, आप लॉन्ग टर्म को देखें. क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कोई भी काम करने लगते हैं और इनिशियली थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, परेशानी होती है, हम गिव अप करते हैं तो कहीं हम अपना ही नुकसान करते हैं. और देखिए ऐसे में अगर हम एंड रिज़ल्ट को देख लें या फिर से मैं कहूँगी कि बड़ी पिक्चर को देखें तो ये चीज़ हमें बहुत मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए और कहीं देखिए हम गिव अप भी नहीं करते हैं. तो इस चीज़ का ख्याल आप बहुत रखें. एंड यहाँ पर एंजल कार्ड से फोकस एंड फ्रीडम के कार्ड कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त अपने गोल अपने मकसद को लेकर एक फोकस भी 2022 में आप लोग सेजिटेरियस करते हुए दिख रहे हैं. और यहाँ पे देखिए आर्केटाइप कार्ड से भी स्टोन का कार्ड एक डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज़ की बात करता है, विल पावर की बात करता है, अपने गोल अपने मकसद को लेकर फिक्सेटेड होने की बात करता है और कहीं फोकस का कार्ड भी सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करता है. इन नटशेल देखिए जो भी आपका गोल है
उसको लेकर एक डिटर्मिनेशन रहती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा फोकस कंसंट्रेशन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए फ्रीडम का कार्ड ब्रॉडली स्पीकिंग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। इन नटशेल देखिए किसी भी चीज़ को लेकर एक बंधा हुआ आप महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड आप महसूस कर रहे थे, तो उसी से ही फिर से मैं कहूँगी कि एक फ्रीडम आपको मिलती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए फ्रीडम किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए परेशानी मसले जो भी उनकी लाइफ में चल रहे हैं या चल रहे थे उनसे रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अपने ही नेगेटिव थॉट पैटर्न से रिलेटेड फ्रीडम हो सकती है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि फ्रीडम बहुत एक पॉजिटिव वर्ड है और जब हम फ्री होते हैं ना तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो कहीं 2022 में सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं जिसमें से आपको एक फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है, जिससे आप कहीं किसी लेवल पर लिबरेट होते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए एस्ट्रोलॉजी से यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है नेपच्यून एंड द 10th हाउस। और देखिए नेपच्यून का कार्ड कहीं सपनों की बात करता है, विजन्स की बात करता है, ख्वाब की बात करता है। तो देखिए 2022 में जो भी आपके ख्वाब हैं किसी भी चीज़ को लेकर आप उनके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि 10th हाउस का कार्ड कहीं कैप्रिकॉर्न राशि को रिप्रेजेंट करता है और ये राशि हार्ड वर्क करने की बात करती है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करती है। देखिए सेजिटेरियस सपने तो हम सब लोग ही देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने सपनों पे इतनी अटेंशन नहीं देते हैं, हम उनको लेकर बहुत केयरफ्री या केयरलेस होते हैं। और हो सकता है सेजिटेरियस की बहुत टाइम से आप भी ऐसी ही एनर्जीज में थे और कहीं 2022 में आपको ऐसा लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया, अब जो भी मेरे ख्वाब हैं मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव आप लेते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूं कि अपने सपनों को आप सीरियसली लेते हुए दिख रहे हैं। अब आप और केयरलेस केयरफ्री नहीं होना चाहते हैं या नहीं हो रहे हैं। और देखिए यहां पे वीनस का कार्ड कहीं फन, मज़ा, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी की बात करता है, कहीं कंफर्ट, लग्जरी की बात करता है। तो देखिए ये या तो आपकी लाइफ में 2022 में आता हुआ दिख रहा है, या फिर देखिए वीनस के साथ भी यहाँ पे कैप्रिकॉर्न राशि का कार्ड है। और फिर से देखिए कैप्रिकॉर्न राशि कहीं हार्डवर्क इसी एरिया में करने की बात करती है। इन नटशेल देखिए अगेन मैं कहूँगी कि आपको ऐसे लग सकता है कि भाई अब आप थोड़ा सा फन एलिमेंट अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, अब आप थोड़ा सा अपनी मज़ा मस्ती पे भी फोकस करना चाहते हैं और उसी से ही रिलेटेड आप काम करते हुए दिख रहे हैं। अगेन उसी से ही रिलेटेड आप एफर्ट इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ को आप ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए करियर हैप्पीनेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता था कि 2022 में करियर से रिलेटेड एक हैप्पीनेस, एक जॉय ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लाइफ के एरिया से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ और करियर से ज़्यादा एक खुशी, एक हैप्पीनेस मिल सकती है। और देखिए यही चीज़ कहीं वीनस एंड कैप्रिकॉर्न के भी कार्ड्स कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ आपका काम ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ लोग कैसे अपनी लाइफ में एक फ़न, मज़ा, मस्ती, एंटरटेनमेंट लेकर आएँ, कैसे एक ब्यूटिफुल एनर्जीज लेकर आएँ, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। एंड देखिए 4th हाउस कहीं मदर को रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, जॉय को रिप्रेजेंट करता है। और फिर से देखिए 4th हाउस के साथ भी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि का कार्ड है, तो इन सब चीज़ों पे भी आप किसी लेवल पे काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए 4th हाउस घर की बात करता है,
तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि घर से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो ये चेंजेस सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रेनोवेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लैंड प्रॉपर्टी या घर नया खरीद रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्थ हाउस मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, आप अपनी मदर के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, आप अपनी मदर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर मदर से भी एक इन्जॉयमेंट, एक हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। क्योंकि फोर्थ हाउस के साथ में यहाँ पे वीनस का भी कार्ड है, तो देखिए ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और फोर्थ हाउस, जैसे कि मैंने आपको बताया, खुशियों की बात करता है, स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है, और उसके साथ भी वीनस है। तो कैसे आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को बेटर करें, एक पॉजिटिविटी लेकर आएं, उसके ऊपर भी आप ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। And I think I have covered all the cards. नहीं, यहाँ पे king and maiden के card, देखिए कहीं authority की बात करते हैं, कहीं power position की बात करते हैं, साथ ही साथ maiden का card innocent energies की भी बात करता है। और फिर से देखिए, ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए differ कर सकता है। देखिए, जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, और स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, फीमेल्स कहीं किंग टाइप के इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो अथॉरिटेटिव हैं, पावर पोजीशन वाली जगह पे हैं। और जो मेल्स हैं वो मेडन टाइप फीमेल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि इनोसेंट हैं, इमेच्योर हैं, ब्यूटिफुल हैं, यूथफुल हैं। और देखिए, इन जनरल अगर हम सबके लिए देखें तो यहाँ पे किंग, मेडन एंड स्टोन के कार्ड्स कहते हैं कि आप थोड़े से फ्लेक्सिबल चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। कहीं 2022 में आपको जहाँ पे अथॉरिटेटिवली चीज़ों को डील करना है, वहाँ आप अथॉरिटेटिवली कर रहे हैं। जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक, जैसे कहते हैं ना कि नाइव होके चलना है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है, आप फ्लेक्सिबल भी हो रहे हैं। और देखिए, इन जनरल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि एक डिटर्मिनेशन रहती हुई दिख रही है, एक फिक्सेटेड एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पावर पोजिशन, अथॉरिटी आप चाह रहे हैं या आपको मिल रही है। और मेडन का कार्ड कहता है कि आप इनोसेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आप सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को अपने आसपास या खुद को और ब्यूटिफाई करें, उस पर आप फोकस कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस की कौन से मंथ्स आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकते हैं 2022 में। तो देखिए, यहाँ पे दिसंबर, जून, अक्टूबर, फिर से मैं कहूँगी कि दिसंबर का मंथ, जून का मंथ और अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए 2022 में सिग्निफिकेंट रह सकता है। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 2022 का एक ओवरव्यू। एंड सेजिटेरियस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 के फर्स्ट फोर मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो 2022 की स्टार्टिंग बहुत ग्रेट रहती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे इन फोर मंथ्स में आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, या मैं कह सकती हूँ कि किसी लेवल पे इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं। तो फिर से देखिए, 2022 की स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नोथिंगनेस, और आप भी इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो एकदम से ब्लैक कलर है। जैसे होता है ना, हम कहीं जा रहे हैं और सामने बिल्कुल अंधेरा है, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें, हम कौन सा डायरेक्शन लें, हमारा क्या एक्शन इनिशिएटिव होना चाहिए। और कुछ ऐसा ही मन ही मन इन जनरल या फिर किसी भी लाइफ के एरिया में आप 2022 की स्टार्टिंग में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन आप महसूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक गुस्सा भी किसी चीज़ को लेकर आप फील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कि पीछे आप बहुत पेशेंटली, बहुत ही सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे, और कहीं 2022 की स्टार्टिंग में आपका वो सब्र, आपकी वो पेशेंस किसी लेवल पे ख़त्म हो रही है। नहीं तो इन जनरल भी देखिए,
आप चीज़ों को लेकर इम्पल्सिव होते हुए दिख रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली आप हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ के नीचे नोथिंगनेस का कार्ड कहता है कि एक ब्लैंक सी फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए जब भी ये कार्ड आता है हम ये कहते हैं कि देखिए जब अंधेरे में हम जाते हैं, यानी कि अंधेरे कमरे में जब हम एंटर करते हैं, तो इनिशियली हमें एकदम से डार्क दिखता है और उस टाइम ज़रूर हम घबरा जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जब वहाँ पे खड़े रहते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ ऐसा ही यू नो 2022 की स्टार्टिंग में करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ सजिटेरियस कि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन पेशेंस ही रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी कि सब्र रखना 2022 की स्टार्टिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वैसे भी इसके बाद चीज़ें अच्छी ही होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी कहीं एक पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है, और देखिए ये कार्ड दो तीन चीज़ें कहता है, और ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। तो कुछ सजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और देखिए लवर्स कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, कहीं यू नो लव लाइफ की बात करता है, कहीं यू नो बहुत एक पैशनेट एनर्जीज भी किसी चीज़ के लिए महसूस करने की बात करता है। और आपका भी देखिए हो सकता है कि इन 4 मंथ्स में रिलेशनशिप्स या लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस है, या तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत लव आपके लिए लेकर आ रहा है, या फिर यू नो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही एक लव पैशन आप महसूस कर रहे हैं, या फिर बहुत एक लव केयर आपको मिल रही है। और देखिए लवर्स के नीचे प्लेफुलनेस का कार्ड भी कहीं एक मज़ा मस्ती यू नो एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट की बात करता है। तो देखिए फिर से स्टार्टिंग भले ही इतनी ग्रेट नहीं है, लेकिन मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स से लेकर एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स तक चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड इंटीग्रेशन के कार्ड्स भी कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। इंटीग्रेशन का कार्ड एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ की बात करता है, और किसी लेवल पे आपकी लाइफ में भी एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मॉनेटरी, पैसे, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड छोटा मोटा या फिर छोटे लेवल पे एक गेन, एक फ़ायदा यू नो होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही अगेन मैं कहूँगी कि इन 4 मंथ्स के एंड में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये कार्ड कहीं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की भी बात करता है, और ये फिर से मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए इन जनरल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपके वर्क, प्रोफेशनल लाइफ, करियर से रिलेटेड हो सकती है। देखिए ये कार्ड ये भी कहता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास यू नो इन 4 मंथ्स के एंड में आ रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप और पढ़ाई करना चाह रहे हैं, अपनी कोई स्किल, अपना कोई यू नो नॉलेज आप अपडेट करना चाह रहे हैं। और अगर आप जॉब या वर्क से रिलेटेड देख रहे हैं तो देखिए आपको जॉब ऑफर आ सकता है, या फिर से मैं कहूँगी कि देखिए अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। और क्योंकि ये पेज का कार्ड है तो छोटे लेवल पे हो सकता है आ रही हैं, लेकिन जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि अगर आप यू नो एफर्ट करेंगे, डेडिकेटेडली डिवोटेडली इस अपॉर्चुनिटी को लेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, तो ये आगे जाके बहुत ही बड़ी या फिर यू नो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ला सकती है। एंड सजिटेरियस ओवरऑल के लिए देखें कि इन 4 मंथ्स की एनर्जीज क्या रहेंगी, या फिर ये 4 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन का कार्ड चेंजेस की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। और देखिए इन जनरल की रीडिंग में हमने देखा भी था एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो या तो उन चेंजेस की स्टार्ट इन 4 मंथ्स में हो रही है, या फिर ये 4 मंथ्स में ही कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर लाइफ के एरिया में या फिर इन जनरल आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे सजिटेरियस मैं आपको यही कहूँगी
कि चेंजेस यू नो हमारी लाइफ का एक पार्ट हैं और ये चेंजेस ही हमारी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस लेकर आते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इन चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं. हम कहीं पुरानी चीज़ों के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनको लेट गो करना किसी लेवल पे मुश्किल हो जाता है और नई चीज़ों को लेकर एक अनसर्टेनिटी होती है या हमें पूरी तरीके से नहीं पता होता है तो हम उस तरीके से उसको नहीं वेलकम कर पाते हैं. वैसे तो देखिए आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आप यू नो स्टार्टिंग ऑफ 2022 के बाद के यू नो मंथ्स में काफ़ी अच्छी एनर्जीज में हैं, लेकिन फिर भी किसी भी लेवल पे अगर आप इस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि चेंज फिर से मैं कहूँगी ही ग्रोथ और प्रोग्रेस हमारी लाइफ में लेकर आता है. तो जितनी जल्दी आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, नई चीज़ों के लिए एक यू नो एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे या फिर उनको खुले हाथों से वेलकम करेंगे, उतनी ही जल्दी आप एक ब्यूटीफुल एनर्जीज अपनी लाइफ में भी लेकर आएंगे. एंड देखिए यहाँ पे हायर पावर का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है. सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे कंप्लीट ट्रस्ट करके, कंप्लीट फेथ करके आपने इन 4 मंथ्स में आगे बढ़ना है. दूसरी बात देखिए, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा एक प्रेयर वैसे तो हमें हमेशा करना चाहिए, लेकिन इन 4 मंथ्स में आप ज़रूर करें. जो भी हायर पावर्स हैं उनसे आप कनेक्ट ज़रूर करें. और देखिए तीसरी बात ये कार्ड कहता है कि हम सब लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक पावर है, और मैंने हमेशा कहा है कि हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है हम अपनी ही पावर्स को, हम अपनी ही पोटेंशियल्स को भूल गए हैं, और इसीलिए देखिए हम परेशान भी होते हैं. और जब हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है तो बियॉन्ड अ पॉइंट कोई भी चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाती है. तो फिर से अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ, अपनी इनर पावर के साथ आप ज़रूर कनेक्ट करें, या फिर से मैं कहूँगी कि उनको लेकर एक रियलाइजेशन आप ज़रूर रखें. और फिर से देखिए हमेशा ही हमें ऐसी एनर्जीज में रहना चाहिए, लेकिन इन 4 मंथ्स के लिए हायर पावर का कार्ड आपको कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसी एनर्जीज में रहें. तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 2022 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का एक ओवरव्यू. तो चलिए सेजिटेरियस इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2022 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं. तो देखिए इन 4 मंथ्स को अगर हम देखें तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 6 of Swords, और इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो पानी में एक बोट आगे बढ़ रही है, और ये कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, ट्रैवल की बात करता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन की बात करता है. और कुछ ऐसा ही देखिए आप लोगों के लिए भी किसी भी लेवल पे इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है. क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफर कर सकती है. फिर से देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंपली इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली यू नो चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी मसले, जो भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में हैं उनको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं. तो देखिए फिर से किसी भी लेवल पे एक मूवमेंट, एक शिफ्ट फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल तरीके से इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आती हुई दिख रही है. और देखिए ये मूवमेंट, ये शिफ्ट की वजह से या फिर अदरवाइज भी, मन ही मन के लिए सप्रेशन का कार्ड कहता है कि एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे खुल के आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप खुल के अपनी बात नहीं कह रहे हैं, खुल के आप चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं. फिर से देखिए सप्रेशन का कार्ड एक सप्रेसिंग सी एनर्जीज़ या फिर सप्रेसिंग सी फीलिंग, इमोशंस की बात करता है. और कहीं मन ही मन आप भी ऐसा ही इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में महसूस करते हुए दिख रहे हैं.
और देखिए मिड ऑफ दीज फोर मंथ्स भी कहीं बहुत ग्रेट जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे फाइव ऑफ सोज एंड आइसोलेशन के कार्ड्स कहते हैं कि आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो भी आपके साथ हो रहा है कहीं वो फेयर नहीं हो रहा है, किसी लेवल पे एक अनफेयर एनर्जीज या फिर एक इनजस्टिस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक सेपरेशन भी किसी चीज़, इंसान, जगह से आप लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। और देखिए जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे लिटरली हम किसी भी चीज़ को नहीं लेंगे। ओवरऑल के लिए देखिए एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस किसी लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए आइसोलेशन का कार्ड कहता है इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक अकेलापन, एक उदासी, एक मायूसी रहती हुई दिख रही है। और देखिए सजिटेरियस इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन फोर मंथ्स के मिड की रीडिंग है जहाँ पे चीज़ें बहुत ग्रेट जाती हुई नहीं दिख रही हैं। और देखिए सजिटेरियस ये कौन डिसाइड करेगा कि प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है। देखिए जब हम बहुत स्ट्रांग होते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद ही छोटी हो जाती हैं, या मैं कह सकती हूँ कि मसले छोटे हो जाते हैं। और जब हम वीक होते हैं तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। और देखिए इस टाइम पीरियड में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करें। आप बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ हर चीज़ को डील करें क्योंकि देखिए सजिटेरियस जब आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो यकीन माने मसले जो भी हो बहुत छोटे हो जाएंगे। और यही मैसेज आप लोगों को रेजोल्यूटनेस का कार्ड भी दे रहा है। ये कार्ड कहता है कि अगेन आप बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत स्ट्रांग विल पावर के साथ हर चीज़ को डील करें। एंड देखिए इन फोर मंथ्स के एंड के लिए यहाँ पे मैजिशियन रिवर्स एंड इनर वॉइस के कार्ड्स कहते हैं कि या तो आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा क्लेवरली, स्मार्टली या फिर मैनिपुलेटिव एनर्जीज में हैं जहाँ पे बहुत डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं या आपके साथ बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। और देखिए ऐसा अगर आप पाएँ सजिटेरियस तो थोड़े से अलर्ट, थोड़े से कॉशियस आप ज़रूर रहें। और देखिए सजिटेरियस मैजिशियन वाली एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं जहाँ पे आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, बहुत क्लेवरली, बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए ऐसी एनर्जीज में रहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब इन द प्रोसेस हमारे मोटिव्स, हमारे इंटेंशंस ठीक नहीं होते हैं तब कहीं आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं। तो इस चीज़ की चेकिंग आप ज़रूर कर लें। फिर से मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करें लेकिन साथ के साथ थोड़ी सी चेकिंग भी करें कि आपके मोटिव्स, आपके इंटेंशंस ठीक रहें। और देखिए मैजिशियन कहीं बहुत ही एक्टिव एनर्जीज की बात करता है और डीपर लेवल के लिए इनर वॉइस का कार्ड कहीं बहुत ही पैसिव एनर्जीज की बात करता है। तो एक तरीके से ये दोनों कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी हैं और इन दोनों कार्ड्स को अगर हम कंबाइन करके देखें तो सरफेस लेवल पे हो सकता है कि आप बहुत ही एक्टिवली या तो चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर एक एक्शन इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, आप नहीं ले रहे हैं। और देखिए सरफेस लेवल पे जितनी भी आपकी एक्टिव एनर्जीज हों, जितना भी आप एक्शन ले रहे हैं, कहीं मन ही मन इन फोर मंथ्स के एंड में एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड, एक कामनेस आती हुई दिख रही है। और देखिए इनर वॉइस का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको कहता है कि इन फोर मंथ्स के एंड में या फिर इन फोर मंथ्स में जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है, जो भी आपकी इनर वॉइस कहती है, आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आप उसको ज़रूर ज़रूर फॉलो करें। एंड देखिए यहाँ पे मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड कहता है कि यूनिवर्स हमको हमेशा ही मैसेजेस देता है, हमको हमेशा ही साइंस दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहिए। लेकिन जब हम यूनिवर्स के साथ
या फिर अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम इन साइंस को देख पाते हैं, रीड कर पाते हैं। और जब हमारा कनेक्शन अपने एंजल्स के साथ नहीं होता है, यूनिवर्स के साथ नहीं होता है, और हम अपने आप को इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में या उलझनों में गुम कर लेते हैं या फिर उसमें ही, अगेन मैं कहूँगी, उलझ के रह जाते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं और फिर हम और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा एक कामनेस आप लेकर आएं, एक सुकून आप लेकर आएं। मैं मानती हूँ सेजिटेरियस, जब परेशानी आती है तो बहुत मुश्किल होता है कि हम परेशान ना हों, लेकिन इसी टाइम पे ये समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम परेशान होते हैं तो परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आपकी परेशानी 50% है तो अगर आप भी परेशान होंगे तो वो 60%, 70%, 80% होगी। और अगर आप एफर्ट करके थोड़ा सा एक विल पावर डिटर्मिनेशन रखेंगे, आप फर्म रहेंगे, तो परेशानी धीरे धीरे 40, 30, 20% हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए, हमारे हाथ में काफ़ी हद तक होता है कि हम अपनी परेशानी को बढ़ाएं या घटाएं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा एक सुकून मेंटेन करने की कोशिश करें, और जो भी यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है, आपके एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं, उनको ज़रूर आप ऑब्जर्व करें, उनको ज़रूर आप यूज़ करें डायरेक्शन लेने के लिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है उसके लिए। और देखिए, ये गाइडेंस, ये मैसेजेस हमको किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं। कभी कभी होता है ना, हम कोई मूवी देख रहे हैं और उसी में ही हमें समझ में आता है कि भाई ये हम भी कर सकते हैं, जो भी हमारी करंट सिचुएशन है उसमें। कभी कभी कोई बैनर हम देखते हैं और उसमें हमें गाइडेंस मिल जाती है, उसमें हमें मैसेज मिल जाता है। और देखिए, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, लेकिन किसी भी तरीके से आपको साइंस या मैसेजेस यूनिवर्स के मिल सकते हैं। जब आप अलर्ट रहेंगे, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपको बियॉन्ड द पॉइंट ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो देखिए, इस चीज़ का भी ख्याल आप ज़रूर रखें। ओवरऑल के लिए देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप विल पावर डिटर्मिनेशन स्ट्रेंथ से काम लेंगे, जितना ज़्यादा आप फॉर्म रहेंगे और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उस पे आप फोकस करेंगे, उस पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अपने गोल से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उतना ही इन 4 मंथ्स को आप आसान करेंगे, उतना ही आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होंगे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2022 का एक ओवरव्यू। एंड सेजिटेरियस इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2022 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, इन 4 मंथ्स को हम देखें तो यहाँ पे तीनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें तो कहीं इन 4 मंथ्स में जो भी पीछे मसले थे या फिर लास्ट 4 मंथ्स के मिड में जो मसले थे, इश्यूज थे, वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक बेटर एनर्जीज, हैप्पीनेस, जॉय भी इन 4 मंथ्स में आती हुई दिख रही है। और देखिए, यही कहीं डिलीवरेंस का कार्ड भी कह रहा है। देखिए, अगर हम लिटरली देखें डिलीवरेंस के कार्ड को, तो ये कार्ड किसी चीज़ के डिलीवर होने की बात करता है, किसी चीज़ के मिलने की बात करता है। और देखिए, हमने स्टार्टिंग में जनरल रीडिंग में आंसर्ड प्रेयर का कार्ड देखा था, तो हो सकता है कि जिस चीज़ को लेकर आप बहुत प्रेयर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, वो इन 4 मंथ्स में आपको मिल रहा है। और देखिए, डिलीवरेंस का कार्ड कहीं फ्रीडम की भी बात करता है, एक लिब्रेशन की भी बात करता है, और कहीं फ्रीडम का कार्ड भी हमने जनरल रीडिंग में देखा था, तो देखिए वो भी कहीं इन्हीं 4 मंथ्स में आता हुआ दिख रहा है। फिर से देखिए, इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड रिलीज़ की बात करता है, रिलीफ की बात करता है। देखिए, जब कोई चीज़ बहुत टाइम से हमें परेशान कर रही होती है और जैसे ही वो परेशानी ख़त्म होती है,
तो एक रिलीफ हमें मिलता है, एक सुकून हमें मिलता है। तो ओवरऑल इन फोर मंथ्स में ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बंजर सूखी ज़मीन पे बारिश हो रही है। और देखिए हम सब लोग जानते हैं जब एक बंजर सूखी ज़मीन पे बारिश होती है तो ज़मीन को कैसी फीलिंग होती होगी। जैसे होता है ना कि बहुत टाइम से बहुत ज़बरदस्त हमें प्यास लगी है और हमें पानी मिल जाए। तो देखिए इन नटशेल इन फोर मंथ्स में कहीं ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए ये कार्ड अ फ्रेश अप्रोच की बात करता है, लिब्रेशन फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करता है। तो जो भी रुकावटें थीं, जो भी चीज़ें यू नो परेशानी क्रिएट कर रही थी, उनसे भी एक फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है। फाइंडिंग अ सोल्यूशन की भी बात करता है। तो देखिए परेशानियों का हल भी इन फोर मंथ्स में रहता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल सेजिटेरियस ये फोर मंथ्स 2022 के आप लोगों के लिए सबसे अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड एक नई बिगनिंग होने की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है तो ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया यू नो फ्रेम ऑफ माइंड हो सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए देखिए नई गाड़ी हो सकती है। अगेन देखिए कुछ भी हो सकता है, कोई नई चीज़ इस फोर मंथ्स की स्टार्टिंग में आ रही है जो एक हैप्पीनेस जॉय सेटिस्फेक्शन आप लोगों के लिए लेकर आ रही है। और देखिए सरफेस लेवल पे ज़रूर आप चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हैं लेकिन मन ही मन के लिए कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है कि आप बहुत माइंड से भी चल रहे हैं। तो देखिए फिर से इन फोर मंथ्स की स्टार्टिंग में कहीं हार्ट और माइंड का बैलेंस भी रहता हुआ दिख रहा है। और पीछे जो भी चीज़ों को लेकर एक कंफ्यूजन थी, एक यू नो आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, तो उससे रिलेटेड एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। और देखिए मिड ऑफ दीज फोर मंथ्स के लिए जस्टिस अपराइट का कार्ड भी कहीं एक फेयर एनर्जीज की बात करता है, जस्टिस होने की बात करता है। और पिछली रीडिंग में यानी कि यू नो लास्ट सॉरी मिड फोर मंथ्स में हमने देखा भी था कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। तो देखिए उसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी किसी लेवल पे जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। या फिर से मैं कहूँगी कि आपको ऐसे लग सकता है कि भाई चीज़ें फेयर हो रही हैं, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको मिल रहा है। और देखिए जस्टिस कहीं डिसीजन और चॉइसेस भी लेने की बात करता है। तो हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे कर रहे हैं, आप हर चीज़ को अगेन मैं कहूँगी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं डिसीजन लेने से पहले। और क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड है तो लीगल यू नो चीज़ों से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज इस फोर मंथ्स के मिड में रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ मसले हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों, सिंपली हो सकता है कि किसी भी वजह से आपको कोर्ट विजिट करना पड़ रहा है, जज वकील को मिलना पड़ रहा है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ किसी चीज़ को लेकर करनी पड़ रही हैं। और देखिए इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन इन जनरल क्योंकि जस्टिस के आसपास बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो ये जस्टिस एक पॉजिटिव एनर्जी ही आपकी लाइफ में लाता हुआ दिख रहा है। और देखिए सरफेस लेवल पे जो भी हो कहीं मन ही मन के लिए पास्ट लाइफ्स का कार्ड एक फियर एक इनसिक्योरिटी की बात करता है। और देखिए सेजिटेरियस होता भी है जब बहुत टाइम से चीज़ें हमारे हिसाब से ना चल रही हों या फिर किसी चीज़ को लेकर हमारा मन परेशान रह रहा हो तो जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं ना तब भी वो डर वो फियर नहीं जाता। तो देखिए कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा भी रह सकता है। और इन जनरल के लिए हो सकता है कि सरफेस लेवल पे ज़रूर चीज़ें ठीक ठाक हैं लेकिन डीपर लेवल पे किसी चीज़ को लेकर एक फियर एक इनसिक्योरिटी भी इन फोर मंथ्स के में आप महसूस कर रहे हैं। एंड देखिए इन फोर मंथ्स के एंड के लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, बहुत तेज़ी से चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है,
पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन फोर मंथ्स में या फिर इन फोर मंथ्स के एंड में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे ये मूवमेंट, ये शिफ्ट, ये चेंजेस सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ लोकेशन, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके के चेंजेस अगेन इन फोर मंथ्स में या फिर इन फोर मंथ्स के एंड में आते हुए दिख रहे हैं। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहीं डेस्टिनी के साथ देने की बात करता है, कहीं लक के फेवर भी करने की बात करता है। और देखिए जब लक हमें फेवर कर रहा होता है तो कुछ भी मसले हो ना, वो भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और आप लोगों के लिए तो इन फोर मंथ्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं। तो फिर से देखिए ये फोर मंथ्स काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के आने की भी बात करता है। इनफैक्ट जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि बहुत तेज़ी से अच्छी चीज़ें आएंगी और निकल जाएंगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो फिर बहुत सारे चांसेस हैं कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़े से अलर्ट रहें, थोड़ा सा आप सोचें, चीज़ों को समझें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं। क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, आप खुल के चीज़ों को नहीं जी रहे हैं, आप खुल के आगे नहीं आ रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे आप हेजिटेट कर रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे आप रिलक्टेंट हो रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं यही कहूँगी सेजिटेरियस कि सोचना बहुत अच्छी बात है, चीज़ों को समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतना ज़्यादा टाइम ना लगाएं कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकलें। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, अवेल करते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं वो कहीं सक्सेस को भी मिस करते हैं। तो देखिए इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पे देखिए थिंकर का कार्ड आपको एक दो चीज़ें कहता है। और देखिए मैं कहूँगी कि इनफैक्ट ये कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है कि आप सोचें, चीज़ों को समझें, लेकिन आप इतना ज़्यादा ना सोचें कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करें। और देखिए आप इतने इम्पल्सिव भी ना हों कि आप जल्दबाजी में कोई रॉन्ग डिसीजन लें। तो इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस आप ज़रूर रखें। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 2022 के लास्ट के फोर मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक ग्लिम्स। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।